नमस्कार, जय श्री राम। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजु जी। सर, ये जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, ये क्या नया रायता है? ये 3 साल पहले वाला इतिहास हमको फिर से देखने को मिलेगा? नहीं, पिछली बार शायद सरकार उतनी तैयार नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हरियाणा सरकार भी। इस बार पुख्ता जो खुफिया जानकारी है वो सरकार के पास थी और काफी तैयारियां हरियाणा सरकार ने भी कर ली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर ली थी। जितना पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बल और जितना फोर्स लगाना चाहिए था, जहां लगाना चाहिए था वहां पर वो लगा लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस बार पहले की तरह ये दिल्ली आकर के रायता फैला पाएंगे या उस तरह का अराजकता ये कर पाएंगे जैसी इन्होंने 13 महीने तक पहले की थी। और इस बार तो व्यवस्थाएं भी हरियाणा सरकार ने कई जो अस्थायी जेलें हैं वो बना ली हैं। इनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद कहाँ इनको रखना है, ले जाना है, वो भी सारी चीजें हैं। शंभू बॉर्डर पर भी पिछली बार इतनी जो है पुख्ता तैयारियां नहीं की गई थी या इस तरह की कड़ी कार्रवाई पुलिस और शासन ने नहीं की थी। आसानी से इन्होंने बैरिकेड हटा दिए थे। वो जो पीले वाले साधारण बैरिकेड होते हैं वो इन्होंने उठा करके फेंक दिए थे और आगे बढ़ गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सीमेंटेड और कील वगैरह लगा करके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान चुकी है कि ये एक्चुअल में किसानों के नाम पर किसानों की दलाली करने वाले अराजक तत्व हैं, बिल्कुल जो समय समय पर सुपारी लेकर के कहीं भी आंदोलन शुरू कर देते हैं। और इनका हेतु ये नहीं है, इनका मकसद ये नहीं है कि किसानों की जो आवाजें हैं वो बुलंद की जाएं, बल्कि ऐसी मांगे सरकार के सामने रख करके ये लोग इस तरह से अराजकता फैलाते हैं जिन मांगों को व्यवहारिक कहा नहीं जा सकता है और बिल्कुल जो पूरी भी नहीं की जा सकती है। अच्छा, सारी की सारी फसलों पर MSP और वो भी कानूनी गारंटी बताइए। क्यों? और ये केवल पंजाब से ही आवाज क्यों उठती है? क्योंकि पंजाबी पंजाब में जो मंडियों का खेल होता है, जो बड़े अमीर किसानों का और व्यापारियों का जो नेक्सस है, जो खरीद में बहुत बड़ा खेल होता है, जो हजारों करोड़ रुपए का होता है, उसके चलते ये सब ये ड्रामा नाटक नाटक नौटंकी और ये मांग जो है हर बार की जाती है। पिछली बार भी यही किस्सा था, इस बार इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, छिपे हुए कुछ एजेंडे हैं कुछ नेताओं के जो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई महीने से, जो ईडी के समन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिनको अभी रोज एवेन्यू कोर्ट की फटकार लगी थी और कोर्ट ने कहा कि आप एक्यूज हैं, आपने गलत किया है, समन की अवहेलना करके आप 16 तारीख को कोर्ट में उपस्थित होइए सशरीर। तो ऐसे लोगों का भी इसके पीछे हाथ है। मैं जी इसलिए बात कह रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान उठा करके देखिए, अरविंद केजरीवाल के बयान उठा कर देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो पंजाब सरकार गई है, जरा वो उनका बयान देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये सब इन अराजक तत्वों की हिमायत कर रहे हैं। कैसे अराजक तत्व हैं? आप शांति से कहीं अगर धरना प्रदर्शन करना ही चाहते हैं तो आप संगरूर में बैठ जाओ, बिल्कुल आप मानसा में बैठ जाओ, आप भटिंडा में बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी फिरोजपुर में बैठ जाओ, फरीदकोट में बैठ जाओ, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना में बैठ जाओ, वहां धरने प्रदर्शन कर लो, लेकिन आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली की नाक में दम करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करना है। कृषि राज्य का विषय होता है, जी जानबूझ करके ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जैसे कृषि जो है वो सेंटर का विषय है, सारी समस्याएं जो है वो सेंटर ही सॉल्व करेगा। मुझे एक बात बताइए अंजु जी, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करने की बार बार मांग की जाती है, आंदोलन शुरू कर दिए जाते हैं, अराजकता दिखाई जाती है, हाईवे जाम, एक्सप्रेस वे जाम, सड़कों को खोद देना,
कहीं भी टेंट लगा करके बैठ जाना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आ गई थी? 2006 में आ गई थी। यूपीए के शासनकाल में 2004 में इस आयोग का गठन किया गया था, 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, सिफारिशें हो गई थी। भाई आप 2006 से और 2014 तक उसे दबा करके क्यों बैठे रहे? बिल्कुल। आपने क्या कोई भी कार्रवाई की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर? अगर आप 8 साल तक किसी आयोग की सिफारिशों को दबा करके बैठे हुए हैं, तो आप अब किस मुंह से अगली सरकार को ये कह रहे हैं कि साहब आप 100% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए? इनको ना किसानों से कोई मतलब है, ना इनको देश देश की शांति से कोई मतलब है। ये लोग मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं, और ये अराजकता फैला करके किसानों को भड़का करके उनके वोट हासिल करना चाहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई किसानों के लिए काम कर रही है, उसको आप बदनाम करना चाहते हैं। सर आप देखिए ना कि रास्ते में ये शंभू बॉर्डर, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, हरियाणा सरकार इन्हें रोक रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने तो इन्हें भेजा। और अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, तो कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि सभी पार्टियां बैठकर इसका सॉल्यूशन निकाले। इनकी वार्ता हुई तो थी अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, तो क्या हुआ? किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये इनका मकसद ही कुछ और है। 2024 से पहले हमको पहले ही लग रहा था सर कि कई टूल किट सामने आएंगे, ये एक नया टूल किट लेकर आ ही गए हैं। और अरविंद केजरीवाल को तो जैसे कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई बवाना में एक स्टेडियम में टेम्परेरी जेल बना दी जाए, लेकिन केजरीवाल को तो जेल शब्द से बड़ा डर लगने लगा है, तुरंत बोले हम तो इनके साथ हैं। तो सारा रायता तो भगवंत मान और केजरीवाल ही फैला रहे हैं ना। 3 केंद्रीय मंत्री एक दिन पहले ही चंडीगढ़ जाकर के 5.5 घंटे तक इनसे चर्चा करते रहे। पीयूष गोयल थे, अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं, और नित्यानंद राय जो है, वो तीनों मंत्रियों ने 5.5 घंटे बात की। और ये पहली बार नहीं, 8 फरवरी को भी इनकी दिल्ली में बातचीत हुई थी, तब भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। और आगे के लिए क्या रोड मैप होगा, कैसे ये मांगे, इनमें से कुछ मांगे मान ली जाएंगी, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट अभी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, और सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाने को तैयारी कर रही है, वो बैठ करके अब आपसे नेगोशिएट करेगी कि आपकी कौन सी मांग हम मान लें, कौन सी मांग आपकी नहीं माने। मतलब एथिकली भी, नैतिकता के लिहाज से भी, और कानूनन भी, संवैधानिक तौर पर भी, जब आप देश पूरा चुनाव में जा रहा है, तब आप कहें कि नहीं नहीं पहले आप हमारी ये मांगे पूरी करिए, उसके बाद चुनाव होगा। ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप, अराजकता का माहौल देश में पैदा करना चाहते हैं। कौन है आप? कौन से किसानों ने आपको अधिकृत किया है कि आप जाकर के देश की राजधानी के गले पर घुटना टेक करके बैठ जाइए? तो मुझे लगता है कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये सुपारी लेकर के देशी विदेशी तत्वों से ये एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ये किसी के हित साधने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए आप, देश में किसानों के पास क्या समय है? वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके, अपने परिवारों को छोड़ करके, 6-6 महीने का राशन लेकर के ट्रैक्टर ट्रोलियों में भर करके, मर्सिडीज और महंगी महंगी गाड़ियों में सवार होकर के 6 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी, 13 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी, टेंट और कैंप टेंट गाड़ करके आप शाम को दारू की बोतलें खोल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बंगाल की किसी लड़की के साथ रेप कर रहे हैं, किसी 35 साल के नौजवान के अंग भंग करके गर्दन हाथ पैर काट करके बैरिकेड पर टांग रहे हैं। भाई कैसे किसान हो? ये किसान के लक्षण है क्या? ये सब अराजक तत्व हैं, इनका जो इलाज होना चाहिए, जिस तरह के कठोर कानून ऐसे लोगों को रोकने के लिए बनाए जाने चाहिए, देश में शांति अमन कायम करने के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, अब वो सब करने का, सोचने का और करने का समय आ गया है। सर पिछली बार हमने देखा था पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये तांडव हुआ था इस तरह का, हाँ, और खामियाजा भुगता था अमरिंदर सरकार ने, उस वक्त जो दूसरी सरकार, दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस के।
अब आप ये देखें कि अगर भगवंत मान इसको हवा दे रहे हैं, तो आपको सिख फॉर जस्टिस का पन्नू का कितना रोल नजर आ रहा है। उस वक्त भी सिख फॉर जस्टिस का खूब पैसा आया था उस वक्त के आंदोलन में, और अब जिस तरह से ये 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े टेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, सो सर फंडिंग तो वहां से फिर हो रही होगी ना। मैंने इसीलिए कहा है कि विदेशी भी और देशी भी कुछ ताकतें हैं जो ऐसे समय पर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी का हित साधने में लगे हुए हैं। वरना कनाडा में बैठा हुआ पन्नू अगर ये कह रहा है कि जितने भी खालिस्तान समर्थक हैं सब दिल्ली कूच करो, क्यों भाई क्यों कर रहा है वहां बैठ करके? जरा यहाँ आ जा, अगर इतनी हिम्मत है, इतना बहादुर है तो पता लग जाएगा। यहाँ की एजेंसियां तो ढूंढ रही हैं कि आओ, कनाडा से भी कहा है, अमेरिका से भी कहा है कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इसे सौंपो हम हमारे को। तो गवर्नमेंट वहां की जो है वो इसको संरक्षण दे रही है। और अभी एक टेलीविजन चैनल पर एक बाइट आ रही थी किसी की, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर लटका हुआ था वो कह रहा है कि हमको आजाद पंजाब चाहिए यानी खालिस्तान चाहिए। मतलब जो दिल्ली आ रहे हैं उनको खालिस्तान चाहिए, उनको उनको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करवानी है, उनको खालिस्तान बनवाना है। वो बाद में टेलीविजन पर तो नहीं आ रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं पड़ा हुआ है, वो वायरल हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि किस किस तरह के तत्व जो हैं वो इनके साथ दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है आपको? ये फिर से सड़कें खोद देंगे, जितने बैरिकेड्स लगाए गए थे वो सीमेंटेड बड़े बड़े से, उनको तो ये लोग उठा उठा कर दूसरी जगहों पर ले जा रहे हैं ताकि रास्ता बना सके दिल्ली की तरफ आने को। और ये हमेशा दिल्ली की तरफ कूच करो यही नारा क्यों लगाते हैं? और फिर अगर अरविंद केजरीवाल इनको पूरा साथ दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि पुलिस तो उनके हाथ में नहीं है, पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, इसलिए अच्छा है जितना रायता फैले, उनकी सरकार आराम से किनारे पर बैठकर तमाशा देखेगी। नहीं, पंजाब सरकार तो उसके हाथ में है और वो तो राजपुरा जरूर राज राजपुरा में जो बैरिकेड लगाए गए थे उसके तो वीडियो वायरल हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ही वो बैरिकेड हटा करके इनको रास्ता दे रही है कि आप जाओ दिल्ली। यानी पंजाब सरकार जो है वो इनको रोकने के बजाय इनको कह रही है कि आप दिल्ली जाओ, हम बैरिकेड हटा रहे हैं आपके। और वहां इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई, इतने किसान कैसे पहुंच गए शंभू बॉर्डर पर अगर आप रोका टाकी करते? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे किसानों के नाम पर बनने वाले तथाकथित संगठन हैं, या आंदोलनजीवी हैं, या सुपारी लेकर के आंदोलन करने वाले अराजक तत्व हैं, इन सबको रोकथाम करनी पड़ेगी। ये आप आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते। और मुझे तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में कहा है ना, ये इंडिकेट किया है कि जब हम तीसरी बार आएंगे तो बहुत बड़े फैसले करेंगे। ये जो बहुत बड़े फैसले की तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं, आप ये तय मान लीजिए कठोर कानून बनने वाले हैं। 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो अराजकता इस देश में फैलाने वाले एक पूरी जमात, जिनको वो आंदोलनजीवी कह चुके हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के, ये जो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं और ये जो खान मार्केट वाला जो पूरा गैंग है, गिरोह है, जो अक्सर ऐसे आंदोलनों में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाता है, माइकों के उस तरफ बैठ करके जो बड़ी ऊंची ऊंची और आदर्शवादी बातें करता है, जरा इनकी संपत्तियां भी खंगाल करके देखिए। ये अरबपति करोड़पति हैं, इनके कई कई घर मिलेंगे आपको, आलीशान गाड़ियां, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी जो किसानों के नाम पर दलाली करते हैं, अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, इस तरह के आंदोलन खड़े करते हैं, जरा इनकी संपत्तियां खंगाल लीजिए। इनके बड़े बड़े फार्म हाउस मिलेंगे, इनके कई कई पेट्रोल पंप मिलेंगे, इनके कई कई शहरों में घर मिलेंगे आपको। ये जो चप्पल पहन करके और मुंडासे लगा करके, पगड़ी लगा करके और कुर्ते पहन करके
बड़ा अपने आप को किसान शो करते हैं, इनकी जरा संपत्ति खंगाल लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, ये सारे बेनकाब हो जाएंगे, निवस्त्र हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इन्होंने कितनी संपत्ति बना रखी है। इसलिए जरूरी है ये सब रोकने के लिए बहुत कठोर कानून बनाए जाएं। और कठोर कानून जब मैं कहता हूं, अश्वनी उपाध्याय का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि साहब पुलिस चार्टर लागू करो ना, जुडिशियल चार्टर लागू करो। पुलिस चार्टर कई देशों में लागू है, 1 घंटे के भीतर FIR दर्ज करो, 1 महीने के भीतर जांच पूरी करो, और अदालतों को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा 1 साल के भीतर आप उस मुकदमे का फैसला सुनाएं, ताकि ये लोग खुले सांड की तरह जो है सड़कों पर इस तरह की अराजकता ना करें, इनकी जो सही जगह है जेलों में इनको ठूंसा जाए। तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है अंजू जी। कठोर कानून जब तक नहीं बनेंगे, जब तक इनको अंदर नहीं डाला जाएगा, जब तक सरकारें पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ी रहेंगी, वोट बैंक की घबराहट में वो कार्यवाही से बचती रहेंगी, तब तक ये सिर पर चढ़ करके नाचते रहेंगे। जिस दिन कठोर कानून बन जाएंगे और सरकारें वोट की चिंता करना बंद कर देगी, और ये वोटर है भी नहीं, ये असली किसान है भी नहीं, असली किसान अपने खेतों में रहता है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरह की शानदार आलीशान गाड़ियों में चढ़ करके 6-6 महीने का राशन लेकर के 20-20, 25-25, 40-40 लाख रुपए के ट्रैक्टर लेकर के और दिल्ली पर चढ़ाई करें, उनके पास इतना समय नहीं है सर, इतना समय नहीं है, इतना राशन, जिस तरह की तैयारी के साथ ही आ रहे सर, उससे साफ पता चल रहा है एजेंडा कुछ और है, वरना 3-3 मंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान मामला सुलझाया जा सकता था अगर मंशा होती तो, लेकिन मंशा नहीं थी इसीलिए मामला नहीं सुलझा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा, उसके बाद भी नहीं सुलझ रहा है। इनकी मंशा यही है कि वो राजधानी में आकर, जैसे 26 फरवरी के दिन 3 साल पहले इन्होंने तांडव मचाया था, ये कुछ वैसी ही वारदात करना चाहते हैं। अब आप देखिए सर कि पुलिस तो बहुत ज्यादा सब्र से काम ले रही है, आंसू गैस के गोले तो छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, ये तो चाहते हैं कि वारदात कुछ और हो। याद कीजिए पिछली बार भी तो वही पत्रकार, एजेंडाधारी पत्रकार ने किस तरह का रायता फैलाया था जब कहा था कि पुलिस की गोली से एक मर गया है, जबकि वो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो पूरा खान मार्केट गैंग है, इस मामले में भी इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि शंभू बॉर्डर से कोई एक ऐसी खबर आ जाए और फिर ये लोग हाहाकार मचा दें पूरे देश में, और फिर विदेशी मीडिया में तो सर इनकी खबरें तुरंत छपती हैं। अभी मैं लाइव कवरेज सुन रहा था एबीपी न्यूज चैनल पे, वहां पर एक एंकर बैठी हुई थी और स्टूडियो में प्रदीप सिंह और कुछ दूसरे जो समीक्षक थे वो बैठे हुए थे जी। और वो एंकर बार बार कह रही थी अपने रिपोर्टर से वहां पर जो मौके पर था कि अब कुछ देर में ये बैरिकेड तोड़ देंगे और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये मीडिया के एंकर के मुंह से बात अच्छी लगती है कि ये बैरिकेड तोड़ देंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे? क्या ये जिम्मेदार पत्रकारिता है या मीडिया हाउसेस को क्या अपने गिरेबान में नहीं सोचना चाहिए, आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि कैसे कैसे लोग आपने बैठा रखे हैं जो इतने गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ करके कि अब ये बैरिकेड तोड़ देंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे? ये आप क्यों कह रहे हैं? ये जो वहां पर मतलब आप तो उकसाने का काम कर रहे हैं ना, और जो वहां पर मौके पर खड़े हुए लोग हैं उनकी भी भाषा आप देख लीजिए तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये लोग रिपोर्ट करते हैं। यानी जो सही है उसको आप सही कहें, जो गलत है उसको आप गलत कहें, ठीक है, जो मौके पर और किसानों के बीच में खड़े होकर के तथाकथित किसानों के बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उन पर हमले भी हो सकते हैं, उनके साथ मिसहैंडलिंग भी हो सकती है, तमाम दूसरी चीजें सब समझते हैं इन चीजों को, लेकिन आप सही कहने से डरेंगे और गलत तरीके से चीजों को जो है रिपोर्टिंग करेंगे और सरकारों को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे जो धारा 144 भी तोड़ रहे हैं, जो बैरिकेड भी तोड़ रहे हैं, ट्रैक्टर लगा करके बैरिकेड को जो है धक्का दे रहे हैं। तो ये मीडिया पर भी बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, पर इसके पीछे क्या है अंजू जी, ये हमें समझना पड़ेगा जी। देखिए टाइमिंग को समझिए, टाइमिंग है लोकसभा चुनाव की,
टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की, बिल्कुल टाइमिंग टाइमिंग है और टारगेट है 20 सीटें, 13 सीटें पंजाब की, 7 सीटें दिल्ली की। और एक सीट शायद लड़ाई चंडीगढ़ भी आ गई है ना सर, अब चंडीगढ़ में भी तो यही लड़ेंगे। भी जो है वो इन 20-21 सीटों की है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। वहां पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बड़ी ताकत नहीं रही, क्योंकि बरसों बरस ये अकाली दल की पिछलग्गू बनी रही। वहां इन्होंने अपनी लीडर जो है लीडरशिप पनपने ही नहीं दी, खड़ा ही नहीं किया। जो बड़े बादल साहब और छोटे बादल कहते रहे वो ये करते रहे। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा इनको, बहुत कम विधानसभा सीटें और कभी दो कभी तीन लोकसभा सीटें। भाई कौन कौन सी सीटें? अमृतसर वाली एक या दो बार, पठानकोट और आपका गुरदासपुर, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही। अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले दावा किया, बठिंडा में भी और बाद में भी, अभी 2 दिन पहले भी उनकी एक सभा थी, इसमें कहा कि पंजाब की तो 13 की 13 सीटें जो हैं यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी की झोली में डालने के लिए तैयार बैठी है, वो तो अपना फैसला कर चुकी है। दिल्ली में भी कांग्रेस और इनके बीच में कोई सीटों का तालमेल हो नहीं रहा है। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भी आउट करना चाहते हैं। कांग्रेस पिछड़ भी गई है, उनकी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती, उनका कोई नेता पंजाब यात्रा पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहां जो एक कवायद होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, वो किसी भी स्टेट में दिखाई नहीं दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो भी वहां के जो प्रभारी हैं, वहां के जो दूसरे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो हर राज्य में जाकर के जो जो रणनीति बनानी होती है लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले, वो सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का एक टारगेट है कि जो 20-21 सीटें हैं, चंडीगढ़ को भी मिला लें तो 21 सीटें हो जाती हैं, ये किसी भी तरीके से यहाँ से कांग्रेस को, अकालियों को, भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलना, उनको बदनाम करना। अगर हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो दिल्ली पुलिस है वो किसी तरह का बल प्रयोग कर देती है या फायरिंग हो जाती है, 10-5 किसान मारे जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पोंबारा है, उसका काम बिल्कुल हो जाए, उसका काम हो बिल्कुल जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जेल जाने से भी बचना चाहते हैं, तो एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं इस आंदोलन के जरिए। इसके पीछे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान है, ये हमें मान करके चलना चाहिए। और कुछ विदेशी तत्व, पन्नू जैसे लोग भी हैं जो अगेन मौका देख करके चौका मारने के लिए सक्रिय हो गए हैं, और जो खालिस्तान समर्थक हैं उनका आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए कूच कर जाओ। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ी साजिश है, पॉलिटिकली भी और दूसरी भी, इसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम सूचनाएं पहले से थी, इसलिए इस बार हरियाणा सरकार को भी अलर्ट पर रखा गया, सारी तैयारियां की गई समय रहते, शंभू बॉर्डर से आगे इनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इधर जो आपका सिंधु बॉर्डर है यहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, टीकरी बॉर्डर पर भी किए हैं, जो सिरसा की तरफ से आने वाले, पंजाब की तरफ से आने वाले लोग थे उनकी भी व्यवस्था कर रखी है। मुझे लगता है कि दिल्ली जो पुलिस है, यहाँ भी जिस तरीके से 40 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है और शंभू बॉर्डर पर भी जिस तरीके से करीब 50-60 कंपनियां भेजी गई हैं, 8,500 के आसपास जवान भेजे गए हैं, वो सब पुख्ता जो जानकारी है कि अराजकता फैलानी है, अस्थिरता पैदा करनी है, राजनीतिक हित साधने हैं और एक प्रेशर बिल्डअप करना है केंद्र सरकार पर, वो सारी सूचनाएं इस बार केंद्र के पास थी और उसी के सापेक्ष जो है इस बार पूरी तैयारियां की गई हैं। सर ये तैयारियां तो बिल्कुल पुख्ता है और दिख भी रहा है इसका असर कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जैसे आपने मीडिया की बात की थी ना, मीडिया की भूमिका को, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कैमरे को देखकर ये ज्यादा उछलते हैं, क्योंकि कैमरे में इनको कवरेज मिलती है, पूरी दुनिया देखती है, तो
तो इनको लगता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो कर दिया। मुझे तो लगता है मीडिया कवरेज पर बैन लगने लग जाना चाहिए कि इस तरह के आंदोलनों पर कोई कैमरा नहीं जाएगा, कोई मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम, और मीडिया को काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। मैं इसका तो समर्थक नहीं हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर सबको है तो मीडिया को भी जो घटना चल रही है वो घटनाएं दिखाने का पूरा पूरा अधिकार है। पर मीडिया के भीतर जो बैठे हुए लोग हैं उनमें एडिटर्स भी हैं, उनमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंटेंट तय करते हैं, जो प्रोग्रामिंग तय करते हैं, जो गेस्ट तय करते हैं कि किसको बुलाना है, वो जो उनकी मेंटेलिटी जिस तरीके से काम करती है, अभी भी मोस्टली मीडिया हाउसेज में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके विरोधियों की बड़ी संख्या है बिल्कुल और वो उसी माइंडसेट से काम करते हैं, उसी तरह का प्रशिक्षण शिक्षण वो अपने एंकर्स को देते हैं, जो अलग अलग पोस्ट पर बैठे हुए उनके एडिटर हैं उनको भी उसी तरह की गाइडलाइंस दी जाती हैं। मोस्टली मैं कह रहा हूं कि अभी भी 80% 90% जो मीडिया हाउसेज है और जो उनका कंटेंट है, जो उनकी प्रोग्रामिंग है, वो एंटी मोदी ज्यादा दिखाई देती है और उसी तरह के गेस्ट भी वहां बैठ करके अपनी बात रखते हैं। तो एक अभी मुझे लगता है कि इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे मोदी का गुणगान करना शुरू कर दीजिए, बैलेंस तो रखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी का तो परिचय दीजिए, आप अपनी जवाबदेही तो समझिए। समाज में और देश में आप शांति चाहते हैं, अराजकता चाहते हैं, किस तरह के लोगों के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं, किस तरह की चीजों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जरा ये भी आत्म मंथन कर लीजिए और अपने गिरेबान के भीतर झांक करके देख लीजिए। सर, मैं जो बात कह रही थी ना मीडिया की, वो मैं इसलिए कह रही थी कि आपको याद है कि 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, 3-4 दिन तक वो ऑपरेशन खिंच गया था, तब ये बातें सामने आई थी कि जिस तरह से लाइव कवरेज हो रही थी मीडिया में, पाकिस्तान में बैठे उनके आका उनको बता रहे थे यहाँ से कमांडोज आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, ये मदद पहुंच रही है, फलानी मदद पहुंच रही है, जल्दी करो। उसके बाद गाइडलाइंस आई थी कि इस तरह के ऑपरेशन को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। तो ये मुद्दा भी मुझे लगता है कि अराजकता ही तो फैलाई जा रही है इसके जरिए। और आप देखिए ना, जब कैमरा घूमता है तो कितने जोश के साथ ये लोग आते हैं। हमने कितनी बार नहीं, देखा है कि जब गाड़ी शीशे तोड़े जब जाते हैं, कैमरे के सामने तोड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ हद तक ये तय होना चाहिए कि आप खबर दिखाइए, लेकिन आप जब बीच में घुस घुस के कैमरा लगाते हैं तो वो ज्यादा एक्शन में आते हैं, और वो यही तो चाहते हैं कि जगह जगह वो दिखे, उनकी तस्वीरें आए, इससे और बढ़ावा नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है सर। जब कोई ऑपरेशन किया जा रहा हो राष्ट्र के व्यापक हित में, तब लाइव कवरेज पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए उस समय। वरना तो जो ये इस तरह के प्रदर्शन है, धरने हैं, अराजकता है, ठीक है, उसमें अगर कोई दिखा रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वरना हमें कैसे पता लगेगा कि वहां हो क्या रहा है, आम लोगों को क्या कैसे पता लगेगा, और ये लोग एक्सपोज कैसे होंगे। अगर आप चीजों को एडिट करके दिखाएंगे, दबा के दिखाएंगे, नहीं, सबको एक्सपोज हो किया जाना चाहिए। हाँ, जब ऑपरेशन हो, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ हो, तब जरूर लाइव पर पाबंदी होनी चाहिए। सर, जितनी भी संपत्ति को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेशनल हाईवेज का क्या हाल किया था 3 साल पहले, कितना वक्त लग गया, क्योंकि मैं तो बहुत ट्रेवल करती थी उस रोड पर, शिमला जाती हूँ, हिमाचल जाती हूँ, तो उन उन सड़कों की कितनी बदहाली हो गई थी। और अब जिस तरह से ये आज तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इनसे भी भरपाई होनी चाहिए, जैसे दंगाइयों से योगी सरकार करती है। अभी धामी सरकार भी कह रही है कि हल्द्वानी में जो नुकसान किया गया है वो उन दंगाइयों से ही उसकी भरपाई होगी। तो मुझे तो लगता है जो ये तथा कथित आंदोलनजीवी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे, इनसे भी भरपाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले लेने का एक संकेत दिया है, उस दिशा में उनकी तीसरी सरकार जरूर बढ़ेगी और ये राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी हो कि अगर कोई अराजकता कर रहा है, अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है,
इस तरह के हालात पैदा करता है, कानून तोड़ता है, पुलिस पर अटैक करता है, बैरिकेड्स तोड़ता है, कुछ भी इस तरह का कर रहा है जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने वाला हो, अमन शांति को भंग करने वाला हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की थी और अब हल्द्वानी मामले में भी करीब 6,000 करोड़ की 600 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसके नोटिस इशू होने शुरू हो चुके हैं, वसूली का काम वहां शुरू हो रहा है। और इस बार तो हरियाणा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी और गृह मंत्री का भी बयान आ गया है कि इन लोगों ने अगर हरियाणा में कहीं भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो वसूली इनसे ही होगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस दिशा में तो बहुत कड़ाई से और त्वरित गति से फैसले लेने की जरूरत है। सर, अभी आपको क्या लगता है, आज के हालात देखकर ये आंदोलन जल्दी थमेगा या ये लोग इसी तरह से शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे, 6-6 महीने का राशन लेके आ गए? देखिए, पंजाब राज्य की सीमा में ये कब तक डटे रहेंगे, कब तक नहीं डटे रहेंगे, ये तो ये फैसला करेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा सरकार इनको वहां से आगे बढ़ने की इजाजत देगी, यानी दिल्ली पर इस बार ये कब्जा कर नहीं पाएंगे। दिल्ली तक छिटपुट ये ट्रेन में चढ़ करके, बसों में सवार होकर के, कार में सवार होकर के पहुंच भी गए तो गिरफ्तार होंगे और इनको जेल में डाला जाएगा। बिल्कुल सर, इस बार तो शंभू बॉर्डर जो है वही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, वहां से पार पाने के लिए छटपटा रहे हैं। देखना भी दिलचस्प होगा कि भगवंत मान क्या करते हैं, कितना जोर लगाते हैं, क्योंकि भगवंत मान और केजरीवाल ही जोर लगा रहे हैं कि ये लोग दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन चलिए, फिलहाल अभी तो हालात शांतिपूर्ण ही नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बने रहे, और बातचीत से अभी भी मुझे उम्मीद है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकला है। लेकिन आपने इस आंदोलन को लेकर जो तमाम जानकारी मेरे दर्शकों के सामने रखी है सर, ये बताया कि ये किसान नहीं है, देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दलाल है, एजेंडाधारी दलाल है जो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं और किसानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आपने ये जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। वंदे मातरम।